राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीना ने रैणी के रसिया तिराहा पर पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी बन्नाराम मीना के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार सहित सरकार के विभिन्न कर्मियों को गिनाई। डॉक्टर मीना ने आरोप लगाते हुए कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके विधायक भ्रष्टाचार, सरकार बदलने पर जेल भेजने का कार्य किया जाए। उन्होंने हाथ उठवाकर निवर्तमान गहलोत सरकार की नीतियां, भ्रष्टाचार आदि को लेकर सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इनकी तिजोरियां कहां हैं? तो मैं गणपति प्लाजा में पहुंच गया। मैं जहां जाता हूं पुलिस पीछे पीछे जाती है, पता नहीं क्या चक्कर, मेरे समझ में नहीं आता। कहीं भी पहुंच जाऊं पुलिस आती है। वह मैं पहुंच गया गणपति प्लाजा जयपुर में, तो पुलिस के एसपी आए, आप यहाँ कैसे आए? मेरे के जो नौकर है ना, मैंने MBBS किया है, मैं MLA रहा हूँ, MP रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये पता नहीं लगा कि, मैं तो यही जानता था कि बैंकों में नौकर होते होंगे, लेकिन प्राइवेट 1100 लॉकर में करीब 500 करोड़ रुपए काला धन और 50 किलो सोना रखा हुआ है, और उन लॉकरों को खोला जा रहा है। रामलाल का नौकर श्यामलाल के नाम है, श्यामलाल का पता ही नहीं, रेणी का है, राजगढ़ का है, कालोर का है, भैरोड़ का है। ये काला धन बैंक जो राजस्थान के जनता को लूटा है, अब तक प्रधानमंत्री जी भी बोल के गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल ने जो काला धन पकड़ा है, मुंह का खाया हुआ नाक से निकलवाएंगे गहलोत की सरकार।